यस्य शीर्षकमस्ति वाचा माधुर्य कर्कशतात्मकम्। एतस्य हिंदी भाषायां भावार्थः प्रस्तुयते। एक प्रसंग कथानक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार एक चिड़िया इंद्र के नंदन वन में उसके दर्शन करने की इच्छा से उड़ करके स्वर्ग में पहुंच गई। जब वह वहां पहुंच करके मधुर मधुर कूकने लगी, तब चिरकाल से सूखे हुए वृक्ष और लताएं सब हरे भरे हो गए, उनमें अंकुर आ गए। नंदन वन के रक्षक इस विचित्र अकस्मात सूखे हुए वृक्षों का परिवर्तन देख करके, पत्र पुष्प फल से समृद्ध देख करके बड़े आश्चर्य में आए और अपने राजा इंद्र के पास पहुंचे। कहने लगे, राजन, कोई पक्षी काले काले वर्ण का है, आया हुआ है और बड़े मधुर कूकता है, तो और उसके कूकने से पूर्णतया नंदन वन समृद्ध हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। इंद्र साथ में चलने लगे और पहुंचा, देखा यही बात थी, जो वर्षों से सूखे हुए वृक्ष और लताएं पड़ी हुई थी बहुत सब हरी भरी हो गई। इंद्र ने पूछा कि ऐ पक्षी, ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए? पक्षी ने कहा, देखो मुझे वहां पर कोयल कहते हैं और मैं भारतवर्ष से आई हुई हूँ। इंद्र ने पूछा, अच्छा वहां पर ऐसे पक्षी इतने सुंदर बोलने वाले हैं, तो हमारी इच्छा ये है कि तुम अभी यही इंद्रवन में नंदन वन में निवास करो। पक्षी ने कहा कि हमें तो जाना है, हमारे परिवार भी है, इसलिए हम जा रहे हैं वहां। इंद्र ने कहा, बाप प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा फिर भी कभी आना इस वन में और पुरस्कार में अपना गले का हार उतार करके उसे दे दिया। उसने जाते हुए पूछा, ये बताओ और भी कुछ पक्षी हैं आपकी गान मंडली में? तो कोयल कहने लगी, हाँ हमारे छह व्यक्तियों की गान मंडली है, मैं हूँ, चातकी है, मयूरी है, मुर्गा है, तोता है और मैना भी हमारी मंडली के सदस्य हैं। इंद्र ने कहा, अच्छा अच्छा अब आप जाइए, आपकी सादर विदाई है। इसके बाद जब उड़ करके भारतवर्ष के किनारे पर पहुंच गई, तो मार्ग में एक उल्लू मिला। उसने कहा, अबे इधर चल, कहाँ जा रही है तू, ये गले में तेरे क्या है? उसने कहा कि मैं महाराज वहां गई थी स्वर्ग में, वहां पर इंद्र ने अपना उपहार दे दिया है। उल्लू ने कहा, उतार कर रख दे इसको मेरे लिए, तो क्यों लिए जा रही है? उसने कहा, अरे श्रीमन आप तो हृष्ट पुष्ट है, आप उड़ करके जा सकते हैं, मार्ग में बताई देती हूँ उसको जाने का। उसने मार्ग बता दिया। वहां पर उल्लू उड़ करके पहुंचा उस बगीचे में। जैसे ही उसने पहले भूतकार किया, पहली बोली बोली, उसी समय सारी लताएं वृक्ष सब सूख गए जो पहले हरे भरे हो चुके थे। लोगों रक्षक लोगों ने कहा जाकर के इंद्र से, महाराज कोई नया पक्षी आया हुआ है, उसने क्या बोला कि सारा ही बगीचा सूख गया आपका नंदन वन? इंद्र आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक पक्षी हूँ, मुझे लोग उल्लू कहते हैं, कहाँ से आए हो? उनका आया तो मैं भी भारतवर्ष से ही हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारी गान मंडली में ऐसे और भी हैं जैसे तुम हो? उसने कहा, हाँ एक मैं हूँ, एक गधा है, एक सुअर है, ऊंट है, भैंसा है और श्रृगाल अर्थात सियार भी है, ये छह मेरी गान मंडली के कुशल गायक है। तब इंद्र ने अपने सेवकों को आदेश दिया, भगाओ इसको, मारो ईंट और पत्थरों से। वो इंद्र ने उड़ते हुए कहा, एक उल्लू ने ही जब ये सारा नंदन वन ध्वस्त कर दिया, हाय वो भारतवर्ष की दशा क्या होगी जहाँ पर छह छह ऐसे पक्षी। बाजा माधुर्य कर्कशता फलम्, एकदा चटका स्वर्गम नंदन वन दिदृक्षया, प्राप्ता कूजच्चया शुष्का वल्लरिया पादपास्तथा, जाताश्च हरिता पत्रै फलैः पुष्पैर्युतास्तदा, मधुरस्वरमुक्तास्ते इन्द्रम् सूचयतु गताः, नन्दनस्य समृद्धिं ताम्
इंद्रो हृष्यत समीक्षिच भूतस्तो सिकिन्नाम जिज्ञासाम हे प्रभु भारतात् समुपेताम् तिकीति ख्यापयन्ति माम् पुनर्जिज्ञासया पृच्छत् किमन्ये कीदृश प्रत्युचे हम मयूरी च चातक कुक्कुटस्तथा शुकश्च सारिका चैव षठीति गानपण्डिताः नन्दने वस्तु मेनासौ नन्दने वस्तु मेवासौ आग्रहं कृतवान् मुदा यदा मेनेन वस्तुं सा गदौहारमुपायते निवृत्ति भारतं यावत् आयान्तीं मार्गमध्यता रुरोधैकौलूकौरे तुष्टे तिष्ठत्व गच्छसि देहि मे सत्वरं भारम् प्रत्युचे भगवन्त्वया हारापदिश्च लब्धव्या स्वर्गात् इन्द्रसमीपता यतोऽसौ नन्दनं यावत् भूत्कारं प्रत्यमुञ्चयत् यतोऽसौ नन्दनं गतोऽसौ नन्दनं यावत् भूत्कारं प्रत्यमुञ्चत् शुष्कं चोपवनं ध्वस्तम् भयात्क्रान्तमजायत कौतस्कृतोऽसि किन्नाम इन्द्रक्रुद्धोऽवावोचत् प्रत्युचे भारतात्तेषा इन्द्रो पृच्छत्तदग्रे तं किमन्ये द्वादृशा खला हारोपहार प्रत्याशा प्रत्युचे बोधयन्मुदा पाञ्चरासमश्चैव शूकरश्च क्रमेलका महिषश्च शृगालश्च षडीति गानपण्डिता लौडीस्ताडनीयोऽयम् इष्टकाभिश्च सत्पुरम् एकेनैव लोकेन ध्वंसितं मम नन्दनम् भारतस्य दशा वर्ण्या षडीति गानपण्डिता अपरस्य मम काव्यस्य शीर्षकमस्ति महिषं प्रत्युपानम् तस्यापि काव्यस्य हिन्दी भाषायां भावार्थं प्रस्तुयति एक भक्त कवि कोई परमेश्वर से शिकायत करने लगा कि हे प्रभु आप मेरी भाग्य की लिपि में तो जल में डूबने को लिखा है कि मैं जल में डूब कर मेरी मृत्यु होगी तो आपके करुणा के समुद्र में ही मैं क्यों डूब जाऊं यही मेरी कामना है आगे ये धरणी जो आपने बड़ी खिलवाड़ के रूप में उठा ली थी जैसे रुई का गोला होता है आप तो अमेय अपरिमित शक्ति वाले हैं इसलिए हे नाथ मेरे उठाने में मेरे उद्धार करने में कि आप विलंब क्यों कर रहे हैं क्या मैं पृथ्वी से वेदिक भारी हूँ इस संसार के सागर में मैं डूब रहा हूँ आप मुझे पार करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए और यदि आप सहायता मेरी नहीं करते तटस्थ भाव से किनारे पर खड़े देखते रहते हैं इससे मुझे बड़ा दुख है प्रभु आप अपनी अनंत शक्ति में गर्व करते हैं एक बार मेरे साथ इस संसार सागर में उतर करके देख लीजिए डुबकी लगा करके देखिए आपको भी दाल आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा भगवान मैं और तुम दोनों ही लोकाश्रय हैं तुम तो लोक भर के आश्रय हो और मैं लोक है आश्रय जिसका अर्थात मैं लोक पर आश्रित हूँ इसलिए दोनों के स्वभाव एक से है इसलिए हमारी तुम्हारी मित्रता को ही सुनती है मैं जान रहा हूँ भगवान कि जन्म काल से पहले ही आपने मेरे सुख की सारी सामग्री जीवन के लिए उपलब्ध करा दी थी तो इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न है मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप मुझ पर अनंत कृपा करें इससे मेरा उद्धार हो सके भगवान यदि मैं विपत्ति में गिर पड़ा हूँ और आपको छोड़ करके मैं अन्य आश्रय प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता रहा लेकिन संसार में मुझे कोई और आश्रय नहीं मिला इसलिए निराश होकर के मैं पुनः आपके शरण में आ गया हूँ प्रभु मुझे अपनाइए मैं नीचे को मुंह करे हुए पड़ा हूँ आप मेरा उद्धार कीजिए और
क्योंकि मैंने पहले आपका अनादर किया था, अब आप मेरा अनादर कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक ही स्वभाव के हो गए हैं। अतः मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, तो परस्पर एक से स्वभाव वालों में मित्रता हो सकती है।